हेलो दोस्तों नमस्कार सत श्रीकाल आदाब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अड्डा टू फोर सेवन पे और मैं हूं आपका जी और जीएस का एजुकेटर नवदीप सिंह फटाफट से एक बार सेशन के लिंक को कॉपी कीजिए और शेयर कर दीजिए मैक्सिमम जगहों तक सो दैट वी कुड बी एबल टू कवर द एंटायर करंट अफेयर्स सेशन ऑफ टुडे हम लोग आज के करंट अफेयर्स सेशन को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर पाएँ इसलिए आज आपको ये लिंक शेयर कर देनी है मैक्सिमम लोगों तक अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड अ वेरी वेरी हैप्पी संडे आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी संडे एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू चलिए तो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आज का एजेंडा क्या होगा और एजेंडा बड़ा ही सिंपल है एजेंडा से इज दैट वी आर गोइंग टू तो डिस्कस दी एमसी दि हम लोग एमसी को कवर करने वाले हैं एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए मैक्सिमम लोगों तक वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी तो फिर आइए आज के सेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीजें और भी डिस्कस कर लेता हूं और वो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा एन और सी के आने वाले पैटर्न पर पूरी तरीके से रेडी किया गया ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल होगा बैंक महापैक में बैंक महापैक को जब आप परचेज़ करते हो तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करिए एस की तैयारी करिए आप एस बी आई क्लर्क या फिर आप आई की तैयारी करें आई पीओ आईबीपीएस क्लर्क या फिर आप आरआरबी की करें आईबीपीएस आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क या किसी भी एग्जामिनेशन लाइक एसओ इंश्योरेंस सभी के सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो आप लोग ओके तो फटाफट से एक बार आपको देखना है कि बैंक महापैक में बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं लाइव क्लासेस वीडियो कोर्सेस टेस्ट सीरीज ई बुक्स और ये बाईलिंगअल अवेलेबल है इसके साथ ही साथ एस बी आई का मेरा नया बैच भी है जो कि लॉन्च हुआ है 18 दिसंबर को और इस बैच में मैंने अभी तक दो ही क्लासेस ली हैं जिसमें मैं जनरल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस फीनेंशियल अवेयरनेस स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स ये सब सारी की सारी चीजें कवर करवाने वाला हूं तो इन सभी को लेने के लिए यू कैन गो टू अड्डा और बाई गोइंग टू अड्डा वाई टू सिक्स थ्री कोड अप्लाई करके यू कैन गेट द सेवेंटी टू परसेंट ऑफ ओके तो सेवेंटी टू परसेंट आपको मिल सकता है यहां पे एंड अगर आपको अच्छी बुक्स चाहिए इफ यू वांट टू गेट गुड बुक्स आपकी जो क्वालिटी रिवीजन करने के लिए या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के लिए तो वो भी आप बैंक एस टीचिंग और आर आरबी और स्टेट एग्जाम्स के लिए हमारे अड्डा टू फोर सेवन डॉट कॉम से परचेज कर सकते हो याद रखिए कोड अप्लाई कीजिए वाई टू सिक्स थ्री और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा दैट इज सेवेंटी टू परसेंट टूडे ओके तो चलिए अब सेशन को आगे पहुंचाते हैं और सेशन को हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है हु इज द विनर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी साकिर ग्रांप्री साकिर ग्रांप्री ट्वेंटी ट्वेंटी का विजेता कौन है फटाफट आंसर कीजिए फटाफट आंसर कीजिए इसका आंसर कौन है साकिर ग्रापी का विजेता चलिए भैया तन्मय जी करना क्या चाहते हो आप <laughs> और वैसे विनोद ने आपका ऐसा क्या ले रखा है जो आप इतना परेशान हो विनोद के पीछे चलो तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं विच आर दी प्री विन बाई लुइस हैमिल्टन दिस ईयर तो कौन कौन से प्री को जीता है लुइस हैमिल्टन ने बहुत सारे प्रीज को जीता है और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि इसका जो सही आंसर है इसका सही आंसर है नंबर फोर दैट इज सर्जियो पैरिज याद रखिएगा इट्स नॉट लुइस हैमिल्टन मीनी रा बिल्कुल सही है आंसर है आपका यह है सर्जियो पैरेज वैसे मैं आपको बता देता हूं सर्जियो पैरेज जो है मैक्सिको रेसिंग पॉइंट बीडब्ल्यू टी मर्सिडीज तो मर्सिडीज को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला वन रेसिंग में और साखिर जो कि बहरीन में बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में एक प्रॉपर रिंग है उस रिंग पर इन्होंने 2020 का साखिर ग्रांपी जीता है 6 दिसंबर 2020 को यह भी याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को विच कंट्री विच कंट्री हैज वॉन द इंटरनेशनल किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड 2020 ट्वेंटी बाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य और कृषि संगठन एफ द्वारा किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2020 जीता है चलिए आगे बढ़ते हैं अरे तन्मय इसमें कौन सी बड़ी बात है वाई कैंड वी से इट जय श्री राम सत्याकाल राधे राधे नमस्कार आदाब सब कुछ बोल सकते हैं उसमें क्या चलिए फटाफट से इसका आंसर कीजिए कि किसने जीता है और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ठीक है यू के बारे में आप सभी लोग जानते हैं और यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है इट इज़ अ प्राइमरी ऑर्गन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का और बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर कि आपका प्यारा भारत और प्यारे भारत का जो डिपार्टमेंट है एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च आई इसका भी हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन है इसके करेंट हेड नाउ द थिंग इज कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इसका काम है भारत में सॉइल से रिलेटेड सभी की सभी टेस्टिंग करने का और उन पर जितने भी रिकमेंडेशंस हो सकते हैं जो कृषि सुधार के लिए हो एवं भूमि सुधार के लिए हो उन सभी को देने का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के हिसाब से ही इन्होंने भारत में आठ तरीके की मिट्टियों को क्लासिफाई किया हुआ है आठ तरीके की मृदा होती है भारत में ऐसा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च का कहना है एंड दैट वी कैन ऑल्सो डिस्कस की आठ तरीके की मिट्टी एलुवियल ब्लैक सॉइल रेड सॉइल लेटराइट सॉइल इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड सॉइल डे जो कि 5 दिसंबर को होता है ये अवार्ड आई को दिया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च को याद रखिएगा अब हम लोग यू एन के बारे में बात कर रहे थे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में इसकी स्थापना हुई ये तो आपको पता है दूसरा रोम इटली में इसका है हेडक्वार्टे भी आप लोग जानते हैं और तीसरा और खास बात कि इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है क्यू डोंग यू क्यू डोंग यू इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके इसके थोड़ी सी डिटेल को देख लेते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च को यह किंग भूमिबोल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड दिया गया था एफ एओ का हेडक्वार्टर्स रोम में है और बाकी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं विच इंडियन ए एम सी हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल आर ई आई टी फंड ऑफ फंड्स देखिए सबसे पहले किस भारतीय ए एम सी ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय आर ई आई टी फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है विच इंडियन ए एम सी हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल रीट फंड ऑफ फंड चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसे इस क्वेश्चन को सबसे पहले इसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं एंड देन हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करनी शुरू करते हैं द थिंग इज की कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी अब देखें एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो एसेट्स को मैनेज करे और आर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग दैट इज रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अब देखो होता क्या है कि अगर मान लीजिए यहां पर कोई पांच पर्सनस हैं जिनका नाम ए बी सी डी और ई e है ये कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किन्हीं शेयर्स में किन्ही बॉन्ड्स में या कैपिटल मार्केट की किन्हीं भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए इन्हें इकट्ठे होकर के एक पूल बनाना होगा और इस पूल के थ्रू वो किसी फंड मैनेजर को अपना इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं ये फंड मैनेजर इनके बिहाफ़ में बहुत सारी सिक्योरिटीज़ में इनका इन्वेस्टमेंट कर देता है और फंड मैनेजर ये कोशिश करता है कि जितनी इक्विटी सिक्योरिटीज़ हैं यानी कि जितने शेयर्स हैं उसी के साथ साथ हम डेट सिक्योरिटीज़ में भी यानी कि बॉन्ड और डिवेंचर में भी इन्वेस्टमेंट कर दें और बॉन्ड और डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा यह है कि उस पर रिस्क कम होता है ठीक एंड इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करने का फायदा यह है कि उस पर रिस्क तो ज्यादा होता है परंतु रिटर्न भी ज्यादा होते हैं तो रिटर्न को और रिस्क को दोनों को मैनेज करने के लिए एक्चुअली म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है म्यूचुअल फंड का मतलब परस्पर यानी ये पांच लोगों ने मिलकर के एक पूल क्रिएट किया जिसमें चाहे तो ये लमसम अमाउंट रख सकते हैं एक साथ और चाहे तो ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एस आप लोगों ने इसके बारे में सुन रखा है ऑलरेडी सो नाउ इफ यू आर आस्किंग मी टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश आई कैन एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश डोंट वरी अबाउट दैट सी माई सिंपल पॉइंट इज कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी इज अ कंपनी दैट हैज बेसिकली लॉन्च अ म्यूचुअल फंड विच इज बेस्ड ऑन रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड रियल इस्टेट इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू लैंड बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू द लिविंग ऑफ अ पर्सन सो दिस काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड है हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एज पर नोम पर नोमराज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन कैलेंडर ईयर 2021। नोमुरा नोमरा के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या है अब देखिए नोमुरा को हम लोग थोड़ा सा समझ लें उसके बाद आप लोगों के आंसर्स को भी उठाएंगे Now, Nomura जो है, इट्स अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आप लोग जानते हैं नोमुरा इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और इसका काम होता है कि जब भी कोई कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटी किसी भी कंपनी द्वारा इश्यू की जाती है उस समय पर कंपनी को कितने टाइम पीरियड के अंदर इसे परचेज करना है और कंपनी एक्चुअली कितने टाइम पीरियड के अंदर इसे परचेस करती है इस बात पर बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें रेटिंग्स देती हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रेटिंग्स लाइक डी रेटिंग के उसके बाद सी बी डबल बी ट्रिपल बी या डबल बी प्लस ए डबल ए ट्रिपल ए इस तरीके से रेटिंग्स दी जाती हैं अब ये ट्रिपल ए का मतलब होता है वेरी सेफ़ डबल ए का मतलब होता है सेफ़ एंड सेफ ए का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ट्रिपल बी का मतलब होता है ठीक ठाक है डबल बी से थोड़ा रिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि अगर डी की तरफ है इसका मतलब कंपनी जिसने भी बॉन्ड और डिबेंचर इशू किया है उसकी रेटिंग्स ख़राब हैं और अगर ट्रिपल ए की तरफ है इसका मतलब कंपनी की रेटिंग झकास है ओके okay, तो चलिए इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं नोमुरा एक जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जापान की है और इन्होंने कहा है कि भारत की 2021 में वृद्धि दर होने वाली है 9.9 परसेंट देखिए नोमुरा ने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ इंडिया की 9.9 परसेंट पर बताई है दैट्स वेरी गुड आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इंडियन प्लेयर पार्थिव पटेल हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ही प्लेड फॉर विच टीम इन डोमेस्टिक क्रिकेट इंडियन प्लेयर पार्थिव पटेल हु रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट देखिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं पार्थिव पटेल साहब जो हैं इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में और अभी आज की बात करें तो ये थर्टी फाइव ईयर्स के हैं नाइनटीन एटी फाइव बॉर्न है ये इंडिया में <laughs> पहली चीज तो ये कि इंडियन नेशनल टीम के लिए खेले हैं भारत की नेशनल टीम में रहे इसके अलावा इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स आई में और इसके अलावा उन्होंने गुजरात सनराइजर्स हैदराबाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मुंबई इंडियंस सभी के लिए ऑलमोस्ट खेला है इंडिया की भी ए बी और इंडिया रेड वगैरह की टीम में रहे हैं ये तो पार्थिव पटेल ने रिसेंटली सन्यास की घोषणा की है और इन्हीं के इन्हीं के कप्तानी में गुजरात ने बिल्कुल सही है गुजरात गुजरात राइट आंसर इन्हीं के कप्तानी में ने रणजी ट्रॉफी को so, विके, मतलब कोई भी क्रिकेट का फॉर्म अब ये नहीं खेलेंगे चलिए बढ़िया आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड देन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को When is the Human Rights Day observed? When is the Human Rights Day observed? Human Rights Divas कब मनाया जाता है सबसे पहले इसका आंसर करें देखिए अगर आपको मैं बताऊं की थीम जो है वो है स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स इस साल जो हमारा ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया गया उसकी थीम है स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स ये याद रखिएगा हालांकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसका आंसर आप सभी लोगों को पता है ये 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार वो होते हैं जो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मिलते हैं बेसिकली यू गेट इट थ्रू दी कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर और एक स्टैट्यूरी मैनर और कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में आपको ये अधिकार मिलते हैं तो स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स ये इस बार की थीम है थीम 2020 की याद रखेंगे अच्छा वट आर दी इंपॉर्टेंट डेज इन दिसंबर दिसंबर में जो इंपॉर्टेंट डेज हैं उनका थोड़ा सा हम लोग एक लिस्ट देख लेते हैं जिस लिस्ट में यहाँ पे छह सात आठ नौ लिखा हुआ है तो छह सात आठ नौ के बारे में भी बात कर लेते हैं ठीक है पांच दिसंबर को जब हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तो पांच दिसंबर को हमने देखा था कि वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार वर्ल्ड सॉइल डे की थीम थी बेसिकली कि सॉइल के हेल्दी इकोसिस्टम को हम लोगों ने बढ़ाना है एज सच कोई थीम डिफाइन नहीं की गई बट फिर भी सॉइल के हेल्दी इकोसिस्टम को बढ़ाने की बात कही गई थी ठीक है आगे बढ़े हम लोग तो सात दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे ये आपको पता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे ऑब्जर्व किया जाता है और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी ऑब्जर्व किया जाता है नौ दिसंबर की बात करें तो नौ दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ये भी याद रखिए गुड मॉर्निंग हर्षवर्धन इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे भी ऑब्जर्व किया जाता है तो ये भी पॉइंट याद रखना है आपको आगे बढ़े हम लोग तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं 2020 ह्यूमन राइट्स डे आगे बढ़े हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं इस पर फोकस मत करिएगा रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स या रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स रखा गया है थीम को आगे बढ़ते हैं विच प्लेयर हैज बोर्न दी ट्वेंटी फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड विच प्लेयर हैज़ वॉन द ट्वेंटी ट्वेंटी फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरी वन हुज ज्वाइनिंग अस राइट फ्रॉम दिस टाइम जो भी इस समय पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग चलिए फटाफट से इसका आंसर बता देता हूं आपको किस खिलाड़ी ने 2020 महिला विश्व कप महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है और इसका सही आंसर है युलिमार रोजस युलिमार रोजस युलिमार रोजस।, रोजस जो है ये वेनेजुएला की एथलीट हैं और ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं दो टाइम वर्ल्ड चैंपियन रही हैं ये और साथ ही साथ दो टाइम ये वर्ल्ड इंडोर चैंपियन भी रही हैं तो युलिमार रोजस इनका अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड को इन्होंने कायम रखा है 15.43 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका ठीक है ट्रिपल जंप में आगे बढ़ते हैं हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं ट्रिपल जंप की एथलीट में है ना एथलेटिक्स में बहुत सारे गेम्स होते हैं एथलेटिक्स में जैसे एक डी होता है इस कंपनी को आपने सुना होगा बेसिकली ये फ्रांस की कंपनी स्पोर्ट्स एपर बनाती है परंतु डी में बेसिकली दस गेम्स होते हैं जो कि एथलीट के गेम होते हैं एथलेटिक्स के और ये दस के दस गेम जैसे आप हाई जंप लॉन्ग जंप ट्रिपल जंप इन सभी की बात करते हो ये सब इसके टोटल दस गेम में शामिल होते हैं इनफैक्ट रेस भी शामिल होती है इज़ लाइक फिफ्टीन हंड्रेड मीटर फाइव हंड्रेड मीटर तो ये ट्रिपल जम्पर हैं वेनेजुएला की और वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर हैं यूलीमार रोजस चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई एशियाई डेवलपमेंट बैंक एज टेक्निकल असिस्टेंस टू सपोर्ट एडवांस्ड बायोफ्यूल डेवलपमेंट इन इंडिया बिल्कुल सही है आप लोगों के आंसर फ्रॉम वेनेजुएला। चलिए यहां पे एडीबी का एक डिस्कशन कर लें और उसके बाद फिर मैं बाकी चीजें आपको बताता हूं एशियाई डेवलपमेंट बैंक या एशियान डेवलपमेंट बैंक के नाम से इसे जाना जाता है इसका हेडक्वार्टर है मंडालू योंग में मंडालू मनीला और ये मनीला है फिलीपींस में दूसरा इसके जो हेड हैं करंट चेयरमैन चेयरमैन है, चेर्मेन, चेर्मेन है आप लोग जानते हो ये जापान के रहने वाले हैं एवं इसके साथ ही साथ इसके जो वाइस चेयरमैन हैं वो हैं मिस्टर अशोक लवासा ये भारत के हैं ये भी याद रखिएगा अब जल्दी से मुझे जल्दी से मुझे एक कॉमेंट करके बताइए कि समीर खरे उनका क्या पोस्ट है एडीबी में यह कमेंट होगा आपका चलिए अब एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स हमने डिस्कस कर लिया इसके चेयरमैन का नाम डिस्कस कर लिया वाइस चेयरमैन को डिस्कस कर लिया एक बार अब डिस्कस करते हैं कि एडवांस्ड बायोफ्यूल प्रोडक्शन क्या होता है सबसे पहले इसमें जब हम शब्द बायोफ्यूल को लिखते हैं बायोफ्यूल का मतलब यह होता है कि भारत के अंदर बिल्कुल सभी बैंकों के लिए है सिद्धार्थ ये सभी बैंकों के लिए है एवं साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बता देना चाहता हूँ कि हर शाम छा हर शाम शाम को छः बजे से लेकर के सात बजे तक मैं आपसे मिलता हूँ और वहाँ पर हम लोग बैंकिंग के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और ये मंडे टू सैटरडे क्लास होती है ये भी याद रखिएगा शाम को छः बजे से सात बजे तक हम लोग बैंकिंग के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं एक उसकी अच्छी सी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है जिस प्लेलिस्ट को आप सर्च कर सकते हो और जा सकते हो प्लेलिस्ट पे। देन यू कैन बेसिकली गो थ्रू दैट that प्ले लिस्ट ठीक है समीर खरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बिल्कुल सही तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का नाम देखेंगे हम लोग तो दैट इज समीर खरे वेरी गुड चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ करके सबसे पहले तो मैं आपको ये शेड्यूल बता दिया है अपने क्लास के टाइमिंग का रेगुलर जो हम आपसे 6 बजे से, से लेकर के सात बजे तक मुलाकात करते हैं वो अब तकनीकी सहायता के रूप में कितना दिया गया है वो 2.5 मिलियन का असिस्टेंस है यानी कि नंबर वन अब आगे बढ़ करके इसको और भी बेसिक से समझते हैं मल्टीलैटरल लैंडिंग एजेंसी है जिसका नाम है एशियान डेवलपमेंट बैंक इन्होंने 2.5 मिलियन यानी कि लगभग 25 लाख यूएस डॉलर 18 करोड़ रुपए के आसपास का टेक्निकल असिस्टेंस एडवांस्ड बायोफ्यूल डेवलपमेंट को देने की बात कही है बायोफ्यूल का मतलब ये होता है कि जब आप बायोमास एनर्जी बनाओ ओके okay? जब आप पौधों से और जो सड़े गड़े पौधे होते हैं उन सभी से आप जीवाश्म जो होता है उस जीवाश्म से बायोफ्यूल जनरेट करते हो दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल फ्यूल आगे बढ़ते हैं डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेम द टू सिटीज ऑफ मध्य मध्यप्रदेश विच है यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट मध्य प्रदेश के दो शहरों का नाम बताएं जिन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है साहिल पूछ रहे हैं कि सर आईबी की क्लासेस भी चलेंगी बिल्कुल आईबी के लिए भी नया बैच लेकर के आ रहे हैं बट वो उसके सिलेबस के हिसाब से उसकी क्लासेस बैंक के सिलेबस से मैचअप नहीं करती हैं तो हमारे दूसरे चैनल पर उसकी क्लासेस आएंगी बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ अपडेट आपको देखने को मिलेगा चलिए मध्य प्रदेश के दो शहरों का नाम बताइए जिन्हें यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को वैसे यूनेस्को के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता है कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसे यूनेस्को को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना हुई थी 1945 में 16 नवंबर को और लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसकी स्थापना हुई और करंट अगर इसका हेडक्वार्टर देखें तो दैट इज इन पेरिस फ्रांस पेरिस को कहा जाता है फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि ओदरे ओजौले ये इनकी करंट हेड हैं। ओद्रे ओजौले जो हैं ये करंट हेड हैं और ये फ्रांस की ही रहने वाली हैं फ्रेंच सिविल सर्वेंट हैं और पॉलिटिशियन भी चलिए साहिल आप नॉर्मली सर्च कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा ये नाउ इसका आंसर देख लीजिए ग्वालियर और ओरछा ये दो शहर हैं ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें तो एनशियंट सिटी है थोड़ा पुरानी सिटी है वैसे तो एनशियंट तो नहीं कह सकते पर मिडावल पीरियड में इसको स्थापित किया गया था सबसे पहले राजपूत ने इसको रूल किया है एंड राजपूत मतलब तोमर राजपूत थे तोमर राजपूत ने इनको रूल किया एंड देन उसके बाद सिंधियाज ने इनको रूल किया है एंड सिंधियाज वर बेसिकली मराठा इसी के साथ ही साथ ओरछा की बात करते हैं ओरछा को भी बुंदेला राजपूत ने रूल किया है और इनपे बहुत सारे बुंदेला राजपूत द्वारा रूल ये ओरछा बेतवा नदी के किनारे है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश ओके तो ये याद रखिएगा नाउ ग्वालियर और ओरछा बिल्कुल सही आंसर्स हैं जितने लोगों ने आंसर्स दिए हिस्टोरिकल फोर्ट सिटीज़ हैं बहुत सारे फोर्ट और बहुत सारे ब्यूटीफुल यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऐतिहासिक स्मारकें देखने को मिलती हैं आपको ग्वालियर और ओरछा मध्य प्रदेश के हैं जिनको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज में वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज प्रोग्राम के अंतर्गत रखा गया है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन विच कंट्री 2021 की विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक किस देश में होने वाली है चलिए फटाफट -फड़ से इसका आंसर कीजिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग जो होने वाली है देखिए मैं 2022 का आपको बताता हूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2022 की मीटिंग होने वाली है दावोस में और दावोस कहां है ये भी आप जानते हैं स्विट्जरलैंड बट आपको यह बताना है कि 2021 की मीटिंग कहां होने वाली है देखिए सिंगापुर बिल्कुल सही आंसर सिंगापुर में 25 से लेकर के 28 मई 2021 ये मीटिंग होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ठीक बिल्कुल सही सिंगापुर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बता देता हूं इसके फाउंडर कौन थे सबसे पहली बात तो ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका जो है वो है कोलॉग्नी में और कॉलोगनी ना बेसिकली जेनेवा के पास में ही है जैसे चंडीगढ़ और मोहाली वैसे ही कॉलोगी और जेनेवा तो आप लोग इस पर कंफ्यूज मत होइएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आगे डब्ल्यू लगा हुआ है दैट्स वाई यह भी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में है जिनका जनेवा में नहीं है कोलोगनी बिल्कुल नजदीक ही है क्लास शॉप जो है क्लास शॉब ने इसकी स्थापना की थी जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओके okay? तो यह कोलोगनी जेनेवा कैंटोन में है स्विट्जरलैंड में आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़कर के डिस्कस करते हैं कि विच कंट्री हैज बीन विच कंट्री हैज बीन प्रोजेक्टेड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द एशियन रीजन इन द कैलेंडर ईयर 2021 ट्वेंटी वन एज पर नोमुरा किस देश को नोमुरा के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में एशियाई क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने का अनुमान लगाया गया है फटाफट से आंसर कीजिए बिल्कुल सही इंडिया और इसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया था नोमुरा के बारे में हम लोगों ने बताया बिल्कुल प्यारा भारत और जापानीज़ रिसर्च और ब्रोकरेज हाउस है नोमुरा जिन्होंने इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी कहा है 9.9 परसेंट से ग्रो करने की बात कही थी इन्होंने चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं रेटिंग्स हैज प्रोजेक्टेड द जीडीपी ऑफ इंडिया एट वॉट परसेंट इन द फिजल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी रेटिंग्स फिच ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित किया है चलिए इसका सही आंसर आप लोगों को दे देता हूं द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन ने माइनस नाइन पॉइंट फोर परसेंट कहा है वैसे तो पहले ये कह रहे थे कि माइनस टेन पॉइंट फाइव परसेंट से ग्रो करने वाला है भारत की इकोनॉमी बट अब इन्होंने उस परसेंटेज को एक्चुअली इस परसेंटेज को थोड़ा सा बढ़ा दिया है माइनस में जब छोटी संख्या में जाते हैं तो वो बढ़ता है अब देखिए एक शब्द आता है हमेशा आपको पढ़ने में कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि नेगेटिव में इकोनमी की ग्रो हो रही है माइनस नाइन पॉइंट फोर परसेंट अगर बोला कि फिच रेटिंग्स ने जीडीपी ग्रोथ रेट को कॉन्ट्रैक्ट किया है नाइन पॉइंट फोर परसेंट से दैट मींस इट इज नेगेटिव नाइन पॉइंट फोर परसेंट अर्लियर इन्होंने माइनस टेन पॉइंट फाइव परसेंट कहा था नाव दया सिंह माइनस नाइन पॉइंट फोर परसेंट डू रिमेंबर इट आगे बढ़ते हैं हम लोग सेशन को लाइक like तो करो यार और एक बार शेयर तो करो अपनी तरफ से ये भी मुझे कहना पड़ रहा है बताओ हु इज द विनर फॉर 2020 ट्वेंटी मेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर दो पुरुष विश्व एथलीटों का विजेता कौन है फटाफट आंसर कीजिए चलिए बिल्कुल सारी एजेंसी चेंज कर रही है प्रोजेक्शन को ग्रोथ रेट के प्रोजेक्शन को बिल्कुल सही रम्या कृष्णा ने यहां पर बिल्कुल सही लिखा आरबीआई ने माइनस सेवन पॉइंट फाइव एस बी आई ने माइनस सेवन पॉइंट फोर माइनस सेवन पॉइंट सेवन क्या बात है सारे के सारे आपने लिख दिए हैं वेरी गुड डुप्लांटिस बिल्कुल सही डुप्लांटिस क्या है जैसे कि अभी हम लोगों ने यूलिमार रोजास के बारे में पढ़ा था यूलीमार रोजास Venezuela की हैं और यूलिमार रोजास बेसिकली ट्रिपल जंपर हैं वैसे ही मोंडो मॉन्डोडोप्लॉन्टिस जो है ये एक पोल वॉल्टर है तो ये भी याद रखिएगा पोल वॉल्टर अरे मैंने गोल्फ वाला लिख दिया था पोल वॉल्टर ओके पी ओ एल पोल वॉल्टर बाई द वे चलिए मैं आपको बता देता हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर है मोन्डो डुप्लांटिस स्वीडिश यानी स्वीडन के हैं ये और पोल वॉल्टर हैं इन्होंने 2020 का मेल वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर का खिताब जीता है बिल्कुल सही है आप लोगों के आंसर्स आगे बढ़ते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं हु इज द हु इज द विनर ऑफ रबीन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी टैगोर लिटरेरी प्राइज दो के विजेता कौन है रविंद्राथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है देखिए एक नॉवल लिखा गया है जिस नॉवल का नाम है द सिटी एंड द सी अब इस नॉवल को लिखने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर प्राइज दिया गया है और ये रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 दी सिटी एन द सी और सही आंसर क्या है इनका सही आंसर है नंबर टू राजकमल झा साहब बिल्कुल सही है जो लोग राजकमल झा साहब को कह रहे हैं इन्होंने ही ये नॉवेल लिखा है जिसका नाम है द सिटी एंड द सी वेरी गुड ठीक देखिए वैसे तो ये चीफ एडिटर भी हैं द इंडियन एक्सप्रेस के और साथ ही साथ इनकी नॉवल को लिखने के लिए इन्हें 2020 तो का रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज दिया गया आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं

वैसे इकाई की जब भी हम लोग बात करते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार पी एम के वी वाई को शुरू किया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को तब उन्होंने ये एक फेज वाइज इसे इम्प्लीमेंट करने की बात कही थी कौशल विकास योजना के लिए पी एम के के प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोले गए और जैसे ब्यूटिशियन है या जैसे टेक्नीशियन है या जैसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग है इन सभी क्षेत्रों में लड़कों को स्किल किया जाता था ऐसा कहना था कि जो एम जी नरेगा है जिसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसमें मजदूरों ने खुदाई तो की लेकिन खुदाई करने से उनकी इनकम भी बनी परंतु उनके अंदर कोई स्किल्स नहीं आई तो कौशल विकास योजना के तहत प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोल करके सभी युवाओं को स्किल्स देने की बात कही गई थी अंदाजा ये लगाया गया था कि भारत में पैंसठ करोड़ युवा हैं और ये जो पैंसठ करोड़ युवा हैं इसमें से सबसे युवा हैं राहुल गांधी जी देन उसके बाद शुरू होती है सभी युवाओं की गिनती क्योंकि वो युवा नेता है एनी वेज करोड़ युवाओं को हम लोग जब काउंट करते हैं तो इसमें से लगभग थर्टी करोड़ के आसपास जो युवा हैं मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं थर्टी करोड़ के आसपास यूथ ये एम्प्लॉयड हैं एम्प्लॉयड या यूं समझें कि स्किल्ड है इसलिए इनके पास काम है और बाकी सारे के सारे अनस्किल्ड हैं तो उन अनस्किल्ड युवाओं को बहुत ज्यादा रोजगार देने की जरूरत है नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड जो है यूनिसेफ यूनिसेफ इसको शुरू कर रहा है और ये जो हम लोग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बात कर रहे थे इसको एनएसडीसी ने शुरू किया था नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने याद रखिएगा, एनएसडीसी ने इसको स्टार्ट किया था चलिए जितने लोग नए जुड़ रहे हैं और मुझे हाय बोल रहे हैं उन सभी को मैं गुड मॉर्निंग कह रहा हूं अपनी तरफ से तो कंसल्टिंग फर्म है पीडब्ल्यूसी इंडिया और इन्होंने यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ यूनिसेफ और युवा के साथ मिलकर के जो कि एक जनरेशन अनलिमिटेड इन इंडिया है 300 मिलियन यानी 30 करोड़ युवाओं को अगले 10 सालों में स्किल्स देंगे अच्छा एक खास बात मैं आपको बता देता हूं यूनिसेफ की जब भी बात करते हैं हम लोग तो चिल्ड्रंस के लिए जितने भी प्रोग्राम्स विश्व में चलाए जा रहे हैं उनमें यूनाइटेड नेशंस का यह चिल्ड्रन एजु फंड का बहुत बड़ा हाथ है न्यूयॉर्क सिटी में इनका हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क दैट इज यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंकिता जी किन दोनों में डिफरेंस पूछ रहे हैं आप और हेनरीटा एच फोर हेनरीटा एच फोर इसकी करेंट हेड है अमेरिकन गवर्नमेंट ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है यूनिसेफ की बिल्कुल छह बजे क्लास होती है मेरी डेली शाम छह बजे से लेकर के सात बजे मैं आपसे मुलाकात करता हूं और हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस को वहां पर कवर करते हैं डेली शाम छह बजे से लेकर के सात बजे तक मंडे टू सैटरडे मंडे टू सैटरडे आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ कमरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन नरसंहार के अपराध और इस अपराध की रोकथाम के लिए पीड़ितों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है न्यूयॉर्क में बताया था मैंने आपको यूनिसेफ का देखिए यूनिसेफ जो है वो यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है और इसका काम है बच्चों के लिए कुछ करना ये पूरे विश्व की एक बॉडी है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत बनाई गई भारत के अंदर एक Uh, एक इंस्टीट्यूशन है जिस इंस्टीट्यूशन का काम है कि लोगों को हम प्रॉपरली स्किल्स uh, दे पाए किसी भी क्षेत्र में ताकि वो अपनी या तो एम्प्लॉयमेंट कर सके या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें चलिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं इसका सही आंसर होने वाला है नौ दिसंबर और इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमरेशन एंड डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। जेनोसाइड के जो क्राइम्स हुए हैं उन सभी क्राइम्स में आप लोगों ने देखा इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ वर्ल्ड वॉर टू जब शुरू हुआ था उस टाइम पर जो नाजी लोग थे नाजी लोगों ने यहूदियों पे, जो लोग जीवस हुआ करते थे उन जीविश पीपल पर कितना ज्यादा अत्याचार किया था उन्हें भाग करके अपना एक देश इसराइल बनाना पड़ा था आप लोगों ने बचपन में ही ये कहानी पढ़ी है हाँ जी निखिल मैं अभी तो नहीं ले रहा रेगुलर क्लासेस करंट अफेयर्स की बट सून आई ब्रिंग अप बहुत ही जल्दी एक शो लेकर के आऊंगा ओके सी मींस करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं वो बिल्कुल नाइन्थ को मैंने हाँ नाइन्थ को मैंने डेज क्या क्या हो सकते हैं एंटी करप्शन डे इंटरनेशनल एंटी करप्शन वो भी आपको बताया हुआ है सी जेनोसाइड uh, का मतलब होता है नरसंहार करना जैसे जलिया वाला बाग हुआ था 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोली चलाई थी इसी तरीके से ये जो डे है ये एक ह्यूमन राइट्स ट्रीटी के ऊपर ऑब्जर्व किया जाता है जनरल असेंबली जो है यूनाइटेड नेशंस की उन्होंने एक मानवाधिकार संधि पर हस्ताक्षर किए थे और उस मानवाधिकार संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद नौ दिसंबर को नरसंहार के खिलाफ और पीड़ितों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस की शुरुआत की गई थी ठीक है इट ऑल्सो अ ड्यूटी फॉर स्टेट पार्टीज टू प्रिवेंट एंड पनिश द क्राइम ऑफ जेनासाइट ऑलवेज रिमेंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई ट्वेंटी ट्वेंटी वन रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन बिल्कुल शुभम इट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर सी डी एस पी सी डी एस ई एस्पैरेंट्स टू येस ऑफकोर्स वाई नॉट सी डी एसई में थोड़ा सा आपको डिटेल जरूर जाननी पड़ती है और बैंकिंग में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उतना डिटेल को हम लोग प्रॉपरली अवॉइड करते हैं चलिए नाउ द करेक्ट आंसर इज टेंथ देखिए लेटेस्ट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो आई है उसने इंडिया को टॉप टेन कंट्रीज में रख दिया है भारत के द्वारा जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सब्सटेंशियल मेजर्स लिए गए हैं वो सब्सटेंशियल मेजर्स कमाल के रहे हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी जलवायु परिवर्तन में भारत ने मेजर्स कमाल के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ये बता देते हैं आपको भारत का जो स्कोर रहा है वो रहा है 63.98 और 7 दिसंबर 2020 को रिलीज किया गया ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सी आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं एज पर द न्यूज सर्वे इसका आंसर करना है एज पर द न्यू सर्वे कंडक्टेड by नेपाल एंड चाइना द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट हैज बिकम टॉलर बाय देखिए हम लोग जब डिस्कस करते हैं कि 1954 में जब इंडिया ने यह सर्वे किया था भारत की आजादी के तुरंत बाद ही तो उस समय पर 1954 में भारत ने 8,848 मीटर ऊंचाई आंकी थी ओके फिर क्या हुआ कि अभी रिसेंटली चाइना और नेपाल ने मिलकर के एक सर्वे किया जिसमें इन्होंने कहा है कि 0.86 मीटर ऊंचाई बढ़ गई है ओके तो नंबर थ्री बिल्कुल सही है नेपाल और चीन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार माउंट एवरेस्ट की हाइट अब नई हाइट जो है वो 8,848.86 मीटर है ठीक है 0.86 मीटर ये बढ़ गई है हालांकि 0.86 मीटर बढ़ने के पहले 8,848 भारत ने ही नापी थी उन्नीस में आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट आई भोपाल हैज रिसेंटली इंग्ड एन एमओयू विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में एनएलआरपी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट आईएएफएम भोपाल ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है चलिए इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी नंबर फोर एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हम्म hmm. अंकिता जो ऊपर आप यूनिट लिख रही है ना एट एट फोर एट पॉइंट एट सिक्स दैट इज मीटर नॉट किलोमीटर स्क्वायर याद रखिएगा एन जो है एन एक महारत्न कंपनियों में से एक और ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसका काम है पावर जनरेट करना और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के साथ भोपाल के और ये नर्मदा लैंडस्केप रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को एन को शुरू करेगा आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 2020 ट्वेंटी फटा ट्वेंटी फटाफट से इसका भी आंसर कीजिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है उसकी थीम क्या है 2020 की कुछदीप जी वो एक ही ऑप्शन था जो हाइड हो गया था एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं चलिए भारत मोबाइल कांग्रेस IMC 2020 का विषय क्या है भारत मोबाइल कांग्रेस इंडियन मोबाइल कांग्रेस वैसे मैं आपको बता दूं, ये एक तरीके का एग्जीबिशन है और ट्रेड सेंटर है बेसिकली न्यू दिल्ली में एक एग्जीबिशन और ट्रेड सेंटर है इंसक्लूसिव इनोवेशन वर्चुअल मोड में मैं आपको बता देता हूं इसके पूरे आंसर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया था इसे वर्चुअल एडिशन था इंडिया मोबाइल कांग्रेस का यह एक तरीके का एग्जीबिशन और ट्रेड सेंटर है मतलब प्रदर्शनी यहाँ पर होती है प्रदर्शनी इन द सेंस मोबाइल की ही ठीक है और एक ट्रेड सेंटर है व्यापारिक केंद्र है नाउ 8 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसे शुरू किया गया और इस बार की थीम रखी गई इंसक्लूसिव इनोवेशन इंक्लूसिव इनोवेशन स्मार्ट सिक्योर एंड सस्टेनेबल तीन दिनों का इवेंट था जो 8 से 10 दिसंबर 2020 तक हुआ और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन दोनों ने मिलकर के इसे चालू किया था आई होप द पॉइंट इज कंप्लीटली क्लियर अब जल्दी से बताइए कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन इसका आंसर भी आप लोगों ने देख ही लिया है तो मैं आपको बता देता हूं इसका सही जवाब भी होगा अनिल सोनी जी सौम्या स्वामीनाथन तो ऑलरेडी वहां पर है ये डब्ल्यू एच ओ की टीम में है और ये डब्ल्यू एच ओ का जो फाउंडेशन बना है ना इस फाउंडेशन के लिए अनिल सोनी साहब जो कि यूएस बेस्ड इंडियन ऑरिजिन हेल्थ एक्सपर्ट है मतलब ये यूएसए के हैं अनिल सोनी साहब इनको पहला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू फाउंडेशन का ये आंसर भी आपको याद रखना है डब्ल्यू फाउंडेशन का पहला सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आपके सामने वो ये है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू हैज लॉन्च द वर्चुअल 2020 फिट इंडिया साइक्लोथॉन द प्रोग्राम इज विच एडिशन ऑफ द पैन इंडिया साइक्लिंग इवेंट किरण रिजिजू जो कि खेल मंत्री हैं इन्होंने वर्चुअल 2020 फिट इंडिया साइक्लोथॉन लॉन्च किया है यह प्रोग्राम पैन इंडिया साइक्लिंग इवेंट के किस संस्करण का है सबसे पहले यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू आप जानते ही हैं इंडियन लॉयर हैं और पॉलिटिशियन हैं अरुणाचल प्रदेश से और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और साथ ही साथ ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं देखिए एक तो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के मंत्री हैं ये कैबिनेट मंत्री और साथ ही साथ इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री का भी प्रभार मिला हुआ है और वो कौन सा जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है अल्पसंख्यक मंत्रालय उस माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं ये भी याद रखना है आपको चलिए जल्दी से ये भी बताइए मुझे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है इनकी अरुणाचल वेस्ट बिल्कुल सही अरुणाचल प्रदेश के तो है ही और अरुणाचल प्रदेश जो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है उससे ये लोकसभा के सांसद हैं बिल्कुल सही किरण रिजिजू ओके तो सही उत्तर यह है कि यह सेकेंड इवेंट है इट्स सेकेंड ये भी याद रखेगा 25 दिनों तक चलेगा ये इवेंट 7 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर का और ये सेकेंड एडिशन है फिट इंडिया साइक्लोथॉन का वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए किरण रिजिजू साहब ने इसे लॉन्च किया था 7 दिसंबर 2020 को एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि बैंक महापैक जो है हमारा ये सभी एग्जामिनेशन को कवर करेगा आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं आप या आप मान लीजिए कि इंश्योरेंस एग्जाम की, की तैयारी कर रहे हैं एस बी आई है आई बी पी एस है आई बी पी एस आर आर बी है इन सभी एग्जामिनेशंस को अगर आप इवन एल आई सी इन सभी को हिट करना चाहते हो तो इनके लिए एक ही सॉल्यूशन आपके पास बैंक महापैक आपको सारी क्लासेस एक्सेसिबल हैं इसमें कोई भी क्लास आप कर सकते हो किसी भी फैकल्टी को आप चूज कर सकते हो और आने वाले एन और सी पर जितनी भी क्लासेस बेस्ड होंगी वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी वीडियो कोर्सेज आपको मिलते ही हैं टेस्ट सीरीज ई बुक्स और 12 महीने की वैलिडिटी भी तो सभी ई बुक्स से माध्यम से बाई आप पढ़ाई कर सकते हो 12 महीने की वैलिडिटी ले करके और याद रखिएगा मेरा एस बी अप्रेंटिस का बैच जो कि 18 दिसंबर को शुरू हुआ है इसमें मैंने दो ही क्लासेस ली हैं इन सभी की क्लासेस पे, पेड प्लेटफॉर्म पर होंगी यानी एप्लीकेशन पर क्लासेस होंगी इनकी अड्डा टू फोर सेवन के अठारह दिसंबर को जो बैच इसमें जनरल अवेयरनेस बैंकिंग अवेयरनेस फशियल अवेयरनेस स्टैटिक के करंट अफेयर्स ये सब कुछ मैं कवर करवाऊंगा एस अप्रेंटिस के बैच में वाई टू सिक्स थ्री कोड अप्लाई कीजिए वाई टू सिक्स थ्री कोड अप्लाई करने पर आपको मिलेगा फ्लैट सेवेंटी टू परसेंट ऑफ सभी के सभी कोर्सेज पे ओके okay, तो फ्लैट 72 परसेंट ऑफ मिलेगा आपको विंटर कार्निवल चल रहा है इट्स अ लिमिटेड पीरियड ऑफर यू कैन गेन इट और अगर आप बुक्स चाहते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बैंक हो एस टीचिंग आर आरबी या स्टेट एग्जाम्स के लिए तो भी आप यहां से क्वालिटी रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंटेनिंग बुक्स ले सकते हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड होंगी और साथ ही साथ आने वाले एनआरए और सीटी पर हम इसे बेस्ड करेंगे कोर्स जो होगा वो ट्वेल्व मंथ का होने वाला है अगर आप बैंक महापैक परचेस करते हैं तो ओके सो नाउ दिस इज समथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू और अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल होंगे तभी आप हमारे वीडियो से जुड़ पाएंगे ये जो कोड है रवि ये कोड आपको जब आप परचेज करने जाओगे तब आपको अप्लाई करना है व्यू ऑफर्स का ऑप्शन आएगा और व्यू ऑफर्स में आपको Y263 कोड अप्लाई करना है आपको 72% ऑफ मिलेगा ओके हां जी मास्टर साहब अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और जो भी आपको कुछ पूछना है वो आप पूछ सकते हो मुझसे आगे बढ़े हम लोग तो आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद